हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एडावर्स के चैनल पे। आज हम बात करेंगे आईपीएल मैच के बारे में जो थी सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स XI पंजाब के बीच में। आज का मैच बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच था इन दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि ये करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम 11 मैचेस खेल चुकी थी जिनमें उन्होंने बस 5 जीत दर्ज की थी। दोनों ही टीम्स के पॉइंट्स टेबल पे 10 पॉइंट्स थे और जो टीम ये मैच हारती वो ये प्लेऑफ्स में जाने का मौका भी हारती। तो टॉस हुई और किंग्स XI पंजाब ने ये टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग के लिए उतरे रिधिमन साहा और डेविड वार्नर। दोनों ही बैट्समैन काफ़ी इनफॉर्म थे और दोनों ने ही काफ़ी अच्छी साझेदारी बनाई और काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया सनराइजर्स हैदराबाद को। पहली सफलता किंग्स XI पंजाब को रिधिमन साहा के रूप में मिला जब वो 28 रन पे आउट हो गए और अपना विकेट थमा बैठे। अश्विन मुर्गन ने ये विकेट लिया जब बॉल काफ़ी डिप हुआ और रिधिमन साहा इसे पढ़ने में नाकाम रहे और एज थमा बैठे विकेट कीपर को। रिधिमन साहा का विकेट सनराइजर्स हैदराबाद के रन रेट को बिल्कुल नहीं लगाम लगा पाई और अगले बैट्समैन जो क्रीज पर आए वो थे मनीष पांडे और डेविड वार्नर क्रीज पे थे और उन दोनों ने रन रेट को बिल्कुल बनाए रखा 10 के ऊपर। और इसी बीच डेविड वार्नर ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 15 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर था 159, 1 विकेट के नुकसान पे। फिर मनीष पांडे को अश्विन ने 36 रनों पे चलता किया, पर अश्विन वहीं पे नहीं रुके। उन्होंने उसी ओवर में बहुत बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया जो कि थे डेविड वार्नर को उन्होंने 81 रनों पर चलता किया, लगभग उसी अंदाज में जैसे उन्होंने मनीष पांडे को किया था। अभी क्रीज पर थे 2 नए बैट्समैन मोहम्मद नबी और केन विलियमसन। दोनों बैट्समैन ने रन रेट को बरकरार रखा और सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 18 ओवर में 196 तक पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पे। आखिर में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स XI पंजाब को जीत के लिए 213 का टारगेट रखा 120 बॉलों में, जो कि बहुत बड़ा टारगेट था। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी किंग्स XI पंजाब की ओपनिंग जोड़ी क्रिस गेल और केएल राहुल। जो किंग्स XI पंजाब को जो स्टार्ट चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला, जब तीसरे ओवर में क्रिस गेल ने खलील के गेंद पे बड़ा शॉट मारने के चक्कर में मनीष पांडे को अपना कैच थमा बैठे। मनीष पांडे ने बड़ा ही बेहतरीन कैच किया। अगले बैट्समैन जो क्रीज पे बैटिंग करने आए वो थे मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने पारी को संभालने की बहुत ही प्रयास की, पर वो बिल्कुल नाकाम रहे। अगले बैट्समैन जो क्रीज पर आए हुए थे वो थे मिलर, पर वो ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 13वें ओवर में ही अपना विकेट खो बैठे 11 रन के स्कोर पर। अगले बैट्समैन जो क्रीज पर आए वो थे अश्विन, पर वो राशिद खान की अगले ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन की ओर निकल पड़े और इसी के साथ किंग्स XI पंजाब ने 5वां विकेट खो दिया और हार की ओर चल पड़े थे। किंग्स XI पंजाब का स्कोर था 123, 5 विकेट के नुकसान पर और उन्हें चाहिए थे 90 रन 5 ओवर में। इसी के साथ राशिद खान ने अपना बड़ा ही वंडरफुल स्पेल कंप्लीट किया जो कि 3 विकेट था। केएल राहुल ने दूसरे छोर को बिल्कुल संभाल कर रखा और अपना अर्धशतक कंप्लीट किया, पर वो भी किंग्स XI पंजाब की डूबती नैया को बिल्कुल नहीं बचा पाया और 79 बनाने के बाद वो अपना विकेट दे बैठे। इसी के साथ किंग्स XI पंजाब को चाहिए थे 53 रन 10 गेंदों में, जो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खलील और राशिद खान ने बड़ा कमाल की बॉलिंग की और दोनों ने 3-3 विकेट लिया और अपने हुनर का बखूबी प्रदर्शन किया। मैन ऑफ द मैच मिला डेविड वार्नर को, जिन्होंने 81 रन बनाए मात्र 56 गेंदों में।